हेलो फिफ्टू, कहाँ पर हो? मैं अपने कमरे में हूँ बीबी जी। कोई काम था आपको? अच्छा, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं बीबी जी, बस तो आराम कर रहा था मैं। कोई काम है तो आप बता दें। फसलू, जी बीबी जी। तुम्हारी साहब हर वक्त काम पर होते हैं। जी बीबी जी, बहुत मसरूफ़ है वो आजकल। वो काफ़ी मेहनत। क्या फायदा इस मेहनत का? क्यों बीबी जी, खैरियत है? आप बहुत उदास लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फसलू, जी बीबी जी। उनको मेरा जरा भी एहसास नहीं है। बीबी जी, ऐसी बात नहीं है, वो आप ही के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं। तुम देख तो रहे हो ना वक्त क्या हो रहा है। 11 बज चुके हैं। वो जब वापस आते हैं ना तो मैं गहरी नींद में होती हूँ। हम वो खाना भी बाहर से खा कर आते हैं। क्या फायदा इस मेहनत का जब उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। बीबी जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर उनकी भी शायद कोई मजबूरी हो, इस वजह से वो शायद लेट आते हो। वो मेरी जरूरत को क्यों नहीं समझते? क्या मजबूरी है उनकी? मैं समझा नहीं बीबी जी, आप क्या बात कर रही हैं? ओफो, तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है जब वो रात रात भर घर से पाए रहते हैं? क्या मुझे उस वक्त उनकी जरूरत नहीं होती? उन्हें मालूम नहीं कि एक औरत के भी कुछ हकूक होते हैं? अच्छा, मैं समझ गया बीबी जी कि आपकी नकूक की बात कर रही हैं। तो क्या साहब आपके साथ करते नहीं है जब वो वापस आते हैं? नहीं, महीने में कोई एक बार उन्हें तलब ही नहीं होती। उन्हें क्या तड़प कर रह जाती हूँ फसलू। उन्हें मेरा कोई एहसास नहीं है फसलू। तुम बताओ ना फसलू, मैं क्या करूँ? बीबी जी, मैं समझ सकता हूँ, ये तो उनका फ़र्ज़ है जिससे वो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। बहरहाल, मगर बीबी जी, क्या वो आपको पसंद नहीं करते? मैं नहीं जानती, क्या पता उन्हें रात के 5 कहीं मुंह मारते फिरते हो कहीं और। जी भर कर आती हूँ इसलिए तो मेरी तरफ निगाह नहीं डालते। नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं है, साहब ऐसे नहीं हैं। तुम उनकी ज्यादा साइड ना लो, अच्छा ना? वो ऐसे ही हैं। अच्छा बीबी जी, रोइए मत, आप चुप हो जाइए प्लीज। फसलू, जी बीबी जी। तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी अपनी वाइफ की बात ऐसे करते हो। नहीं बीबी जी, मैं तो ऐसा नहीं करता, बल्कि जब भी मैं गांव वापस जाता हूँ तो उसका हक उसे दे कर आता हूँ। वो भी मेरी तरह दर्दी होगी। माँ में एक बार तो जाते हो तो उसे यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? बीबी जी, यहाँ कैसे बुलाऊँ? वो साहब पता नहीं मानेंगे कि नहीं। साहब से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ तुम उसे यहाँ ले आओ। ठीक है बीबी जी, मैं उसे यहाँ बुला लूँगा। फसलू, जी बीबी जी। मुझे बहुत शायद तलब हो रही है। फसलू, जाओ। बीबी जी, अब क्या हो सकता है? साहब तो देर से ही आएंगे ना। दफा करो साहब को। फसलू, जी बीबी जी। प्लीज तुम आ जाओ। बीबी जी, किधर आ जाऊँ मैं? पास आ जाओ ना। बीबी जी, पर अगर मैं घर को छोड़ो, प्लीज आ जाओ, अधूरापन दूर कर दो। बीबी जी, ये गलत है। आप पर सिर्फ साहब का हक है, और मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ बेगम साहिबा। तुम्हें वास्ता देती हूँ, प्लीज फिर पाँच, प्लीज।
प्लीज बीबी जी, अच्छा बीबी जी, रोइए मत, मैं अच्छा मैं चले आता हूँ फिर। मैं वादा करती हूँ जैसे तुम कहोगे वैसे करूंगी। बीबी जी, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ है बीबी जी? बीबी जी, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ है बीबी जी? मेरी खूबसूरत होने का भी मुझे कोई सिला नहीं मिला बबलू, जब तुम्हारे बेकदर साहब को मेरी कदर ही नहीं है। सच है बीबी जी, साहब वाकई बेकदरे हैं, इस कदर अनमोल इंसान की उन्हें कदर नहीं है। क्या मैं वाकई में खूबसूरत हूँ बबलू? जी बीबी जी, माशाल्लाह बहुत हसीन है। सिर्फ चेहरे से या मुकम्मल? हर तरह से बीबी जी, अब मैं क्या क्या बताऊं आपको? नहीं फिर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, बताओ मुझे। ठीक है बीबी जी, पर फोन पर नहीं ना, मैं आपको आकर बताता हूँ। नहीं तो मुझे गांव से कई बार देख चुके हो। बीबी जी, मैं क्या करूं, मर्द हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो बता दे तेरा पागल। ऐसे मैं कैसे बता देता, मेरी इतनी औकात कहाँ थी बीबी जी? अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा दूंगी, बस तुम आ जाओ। मैं आ रहा हूं बीबी जी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। ओके बीबी जी, मैं आ गया, बस बाय। ओके बाय। ओके बाय।